बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बड़ी समीक्षा बैठक की और बैठक में के बाद हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव मुमताज अली जी मौजूद हैं। सर, बैठक में क्या खास रहा? देखिए, बैठक में जो नगर निकाय का चुनाव हुआ उसकी समीक्षा की गई और आगे की लोकसभा की रणनीति तय की गई और संगठन को पूरी तरीके से दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जहाँ पे प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा वहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई की बात की जा रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन पूरे प्रदेश में अच्छा रहा और कुछ सीट ऐसी हैं जो जबरदस्ती बहुजन समाज पार्टी को हराई गई। लोकसभा को लेकर के कुछ खास वर्ग को रिझाने का जोड़ने का प्रयास? देखिए, सर्व समाज के ऊपर बहुजन समाज पार्टी काम करेगी और कर रही है और हमें उम्मीद है कि सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े। निकाय चुनाव में दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को जोड़ के रखा गया, क्या यही रणनीति आगे काम? देखिए, अभी स्पष्ट है और संकेत भी हैं कि जहाँ तक पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और बहुजन समाज का वोट और अपर कास्ट के काफ़ी लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हैं और उम्मीद है कि भारी तादाद में जुड़ेंगे और हम लोकसभा में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश में रहेंगे। बस अंतिम सवाल कि क्या लोकसभा को लेकर के सभी वर्गों के टिकट वितरण में भागीदारी देखने को मिलेगी? बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है और जो मिशन सर्व समाज को लेकर चलती है, सर्व समाज का पूरा ध्यान रखा है। क्योंकि हमसे बात करने के तो आपने देखा राष्ट्रीय महासचिव मुमताज अली थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि लोकसभा को लेकर के सब बसपा ने खास रणनीति बनाई है और उसी रणनीति के तहत पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित समाज को लेकर के सर्व समाज को जोड़ते हुए लोकसभा के चुनाव में भी जाएगी। कैमरा पर्सन SK वर्मा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।